रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसा वृंदावन के गांव की नगला निवासी योगेश की शनिवार को सकुशल वतन वापसी हो गई। यूक्रेन के डिन्प्रो शहर स्थित डिन्प्रो पेट्रोवेस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई कर रहे योगेश के अब युद्ध के दौरान वहां फंसे रहने से उसके पिता हरिमोहन सिंह समेत सभी परिजनों को काफी चिंता थी। सरकार के प्रयास से योगेश के सकुशल घर वापस आने पर वह और उसके परिजन खुश हैं। इस दौरान मीडिया से रूबरू हुए योगेश ने यूक्रेन के हालातों की जानकारी देते हुए उसकी सकुशल वापसी के लिए सरकार का आभार जताया। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश ठाकुर है। जी, वृंदावन में कहाँ रहते हैं? मैं वृंदावन के किकीनगला गांव में रहता हूँ। पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम श्री हरिमोहन सिंह है। जी, आप कब गए थे यूक्रेन? जी, 6 साल पहले यूक्रेन MBBS की पढ़ाई पूरी करने गया था और मुझे 2 महीने में मेरे फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे। बस लास्ट एक एग्ज़ाम बच रहा था इससे पहले कि ये दुर्घटनाएँ शुरू हो गई उधर, और मुझे भारत सरकार ने मुझे अपने देश में और मेरे घर में वापस सुरक्षित लौटा दिया। आप यूक्रेन में किस जगह थे? मैं यूक्रेन में निप्रो शहर में था। जी, तो वहाँ के क्या हालात, क्या माहौल देखा, क्या है? हालात तो युद्ध जैसे बने हुए हैं, ये दो तरफा बातें तो नहीं है, लेकिन ये सिर्फ हैं जो बॉर्डर्स के पास में है। शहर में रिहायशी इलाके में ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। जहाँ मैं रहता था वहाँ एकदम शांति बनी हुई थी, लेकिन मीडिया ने, गवर्नमेंट ने पूरा प्रेशर बना करके जो उनके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स थे वो काफ़ी डर गए और सबको बुला लिया गया वापस, और इसमें भारत सरकार ने पूरा साथ दिया है।